বিজেপির এজেন্ট পরমহংস দাস। সবসময় বিজেপি দালালি করে এই বাবা, হিন্দু ধর্মের পোশাক পরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা ছড়ায়, মুসলমানদেরকে দেশদ্রোহী পাকিস্তানি বলে, মুসলিম হত্যার কথা বলে এবং ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করলে না করলে তিনি আত্মহত্যা করবে বলে প্রশাসনকে হুমকি দেয়। বলে যে এই দেশ থেকে মুসলমানদেরকে, রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে তাড়াতে হবে, যারা এই দেশের মুসলমান তারাই রোহিঙ্গা, তাদেরকে দেশ থেকে বার করে দিতে হবে, এমনই দাবি করেন এই বাবা। এবং তিনি বলেন মুসলমানদের জন্যই এই দেশ বরবাদ হয়ে যাচ্ছে, মুসলিম বিরোধী ষড়যন্ত্র করছে এই বাবা। চলুন এই বাবার ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, তিনি মুখ থেকে, নিজের মুখ থেকে কী কী বলছে মুসলমানদেরকে নিয়ে, কতটা জঘন্য লোক হলে এই রকম কথা বলতে পারে। চলুন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবে। तो 2 अक्टूबर 2021 तक के लिए समय दिया है। अगर 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को यदि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म नहीं की गई, तो फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैं सरजू जी में जल समाधि लूंगा, क्योंकि देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ है। और मुसलमानों ने उस समय जो है कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हमको अलग देश चाहिए, और पाकिस्तान बांग्लादेश उनको दिया गया जो मुस्लिम देश घोषित हो गया। तो कम से कम दुनिया में एक देश तो हिंदुओं के लिए बचे। आज दुर्भाग्य है कि वेस्ट बंगाल में जितने यहाँ के मुसलमान हैं वो भी रोहिंग्याओं के साथ मिलकर के एक तरफ से हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, और उसी तरह जो है तो तमिलनाडु में हो रहा है, केरल में हो रहा है, जहाँ भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा है उनको पाकिस्तान से प्रेम है, लेकिन हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत है। ये हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के वजूद को मिटाना चाहते हैं, इसलिए अब आवश्यक है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, आचार्य पीठ से तपस्वी छावनी राम घाट अयोध्या से, हमने इनको 4 महीने का समय दिया है, नहीं तो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2021 को सरजू जी में जल समाधि लूंगा। आशा करता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान की रक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाया जाए।